गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हो खंडवा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही 26 फरवरी 2024 को इस जगह पर ही अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत खंडवा के विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल ओपनिंग की गई थी। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया था कि खंडवा रेलवे स्टेशन का विकास वर्ल्ड लेवल रेलवे स्टेशनों के हिसाब से किया जाएगा, लेकिन दोस्तों, हम क्षेत्रवासियों की सबसे पहली प्रायोरिटी तो यह है कि इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खंडवा से सनावद के लिए ट्रेन जल्द से जल्द चालू हो जाए। दोस्तों, अखबारों के माध्यम से यह सुनने में आ रहा था कि 15 मार्च तक यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन 15 मार्च तो कुछ ही दिनों में आने वाला है। देखते हैं यह शुरुआत और यह ट्रेन की सुविधा हमें मिल पाती है या नहीं, लेकिन जो मैं रेलवे स्टेशन के कार्यों को देख रहा हूं और जिस तरीके से काम हो रहा है, बहुत ही तारीफ़ काबिल काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहां पर कर्मचारी और हमारे रेलवे के ट्रैक्समैन काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रिमॉडलिंग का होना हमारे खंडवा रेलवे स्टेशन में ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेनें आती थी उन्हें सीधे ही पास किया जाता था और वह ट्रेनें रिमॉडलिंग के द्वारा ट्रैक चेंज होकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जा सकती थी, जिसकी वजह से अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी है तो इसके पीछे आने वाली ट्रेन को यार्ड में रेड सिग्नल की वजह से खड़े रहना पड़ता था और ट्रेनों का जो टाइम टेबल है और जो शेड्यूल है उसे ट्रेनें कुछ टाइम के लिए लेट हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, रीमॉडलिंग का काम कंप्लीट हो जाने के बाद में यह समस्या ख़त्म हो जाएगी खंडवा रेलवे स्टेशन के लिए। और जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं जैसे इटारसी, भोपाल, भुसावल, इन रेलवे स्टेशनों की तरह ही खंडवा में भी ट्रेनें किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जा सकती हैं, जिससे कि यात्रियों को ट्रेन के लेट होने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अभी मुख्य रूप से खंडवा रेलवे स्टेशन पर मात्र दो ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही मुख्य रूप से संचालित हो रहे थे, जिस पर अप और डाउन की ट्रेनें आना और जाना कर रही थी। लेकिन रीमॉडलिंग के कार्य को कंप्लीट हो जाने के बाद में इस खंडवा रेलवे स्टेशन पर करीब 6 प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से ट्रेनों को स्टॉप देने के लिए मिलेंगे। इस कार्य के लिए हम क्षेत्रवासी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद दोस्तों।